इस वीडियो में आज आप लोग को इस तरीके से बेडशीट डिजाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। आप इसे कुशन बना सकते हैं, पिलो कवर बना सकते हैं, डोरमेट, फ्लोरमेट कुछ भी इस डिजाइन से बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद प्यारा भी बहुत लगता है। अगर आप लोग हमसे बनवाना है मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बिना स्किप के पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप लोग के समझ में आएगा हमने स्टेप बाय स्टेप बनाकर बताया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते ही स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग कैसे, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को हम बेडशीट डिजाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, पिलो कवर, कुशन कवर, डोरमेट, फ्लोरमेट कुछ भी इस डिजाइन से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये देखिए तीन कलर का कपड़ा लिया, हमने ग्रीन लिया है, रेड लिया है, व्हाइट लिया है। तो चलिए इसका मेजरमेंट बता दें आप लोग को। तो ये देखिए हमने जो लिया है इस तरीके से 5 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई, ये देख सकते हैं। हमने एक पीसेस लिया है व्हाइट, ये हमने 4 पीसेस लिया है 2 इंच के करीब लंबाई चौड़ाई, ये हमने लिया है 5 पीसेस 4 इंच लंबाई 4 इंच चौड़ाई, और ये ग्रीन सॉरी रेड हमने लिया है 2 पीसेस 4 इंच लंबाई 4 इंच चौड़ाई, ग्रीन हमने लिया है 1 पीसेस 5 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा रेड वाला पीसेस है इसको फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने कटिंग कर दिया, और ये जो ग्रीन वाला पीसेस है इसको पहले इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया। अब फिर हमें दोबारा भी इसे सेम ही प्रोसेस करना है, इसको भी इस तरीके से फोल्ड करना है और बीच से हमें कर देना है कटिंग। ये देखिए तो हमने कटिंग कर दिया, और ये अभी आपको बाद में बताएंगे किस तरीके से करना है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें कट करना है, और नहीं पड़ेगी तो इसी तरीके से सिलाई करना है। तो इसको साइड में करेंगे, और ये जो वाइट है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच से हम कर देंगे कटिंग। तो ये देखिए हमने कटिंग कर दिया, फिर इसको भी सेम ही करेंगे, इसमें दोबारा भी कट लगाएंगे। ये देखिए तो हमने इसको भी कर दिया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, एक ग्रीन लेना है और एक हमें वाइट लेना है। तो एक ग्रीन लेंगे और एक वाइट लेंगे, इसको हम अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया। अब दूसरा भी लेंगे ग्रीन और वाइट, इसको भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया। अब एक एक कर कटिंग कर देंगे। तो हमने कटिंग भी कर दिया इस तरीके से। तो एक फ्लावर आप लोग को बनाकर बताएंगे, और हम पहले से बना गए मतलब रखे थे बनाकर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अब हमें रेड वाला पीसेस लेना है और रेड पर वाइट और ग्रीन वाला पीसेस को सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर दिया। अब सेम तरीके से फिर हमें ये रेड वाला पीसेस लेना है और ये ग्रीन वाइट वाले पीसेस को सिलाई कर देना है। तो ये देखिए हमने सिलाई कर दिया इस तरीके से। अब इसको कर देंगे कटिंग। तो हमने कटिंग भी कर दिया, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए तो ये देखिए हमने ये इस तरीके से दो सिलाई किया है, और दो हमने पहले से सिलाई कर रख लिया था। तो इस सेम तरीके से आपको करना है। अब हमने जो 5 पीसेस लिया था उसको एक पीसेस चार को अल तो अलग कर देंगे, एक पीसेस को लेंगे। तो पहले हमें इस तरीके से रखना है, ये देखना है इस तरीके से। आप लोग को बता दें रेड के साइड हमें इसको रखना है। ये देखिए अब जो हमने ग्रीन वाला पीसेस लिया था इसको हम इस तरीके से लेंगे, और ये देखिए इसको हम कर देंगे कटिंग। इसको रख कर अच्छे तरीके से बराबर कर फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको फोल्ड कर और ये बीच से हमने कटिंग कर दिया। तो इस तरीके से हमने कट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये हमें कॉर्नर से इसको ग्रीन वाला जो हमारा पीसेस है इसको हम इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो ये जो हमारा ग्रीन वाला पीसेस है हमने सिलाई कर लिया। अब हमें इसको इस तरीके से रखना है, ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई करना है। तो पहले हमें इसको चारों कॉर्नर पर हमें सिलाई कर लेना है। ग्रीन वाला जो हमारा पीसेस है चारों कॉर्नर पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दो साइड हमने कर दिया। अब ये देखिए इस तरीके से तीसरा साइड भी करेंगे, और ये इस तरीके से चौथा साइड भी करेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर दिया चारों साइड से। अब इसको कर देंगे कटिंग। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से आया है। तो इसको हमें इस तरीके से रखना है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा है उसको अच्छे तरीके से बराबर कर कटिंग कर देंगे। तो हमने कटिंग कर दिया, वाइट वाला जो नीचे का था उसको भी हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमने चारों साइड से इसको कर दिया कटिंग। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा रेड और ग्रीन वाला पीसेस है इसको हमें आधा इंच की दूरी पर हमें सिलाई करना है।
ये देखिए एक्स्ट्रा ये आधा इंच को हमें इसको छोड़ना है, फिर हमें इसको इस तरीके से रखना है, देख सकते हैं आप लोग। और अच्छे तरीके से हम बराबर करते हुए रखेंगे और फिर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया, अब इसको कर देंगे कटिंग। तो हमने कटिंग भी कर दिया, ये देख सकते हैं इसका हमारा ये इस तरीके से आया। तो ये देखिए हमने दोनों साइड भी इसी तरीके से सिलाई कर दिया, सेम तरीके से देख सकते हैं। ये हमने ग्रीन को ग्रीन में मिलाया है इस तरीके से, और इस साइड भी हमने ग्रीन को ग्रीन में मिलाया है। तो ये देखिए हमने दोनों साइड सिलाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ये वाला पीसेस है इसको लेंगे, और वाइट वाला जो हमारा चार पीसेस था उसको लेंगे, और अच्छे तरीके से हम दोनों साइड जो हमारा ये रेड और ग्रीन वाइट वाला पीसेस है वो बीच में रहेगा, और ये वाइट वाला जो पीसेस है वो साइड में रहेगा। तो इस तरीके से हमें सिलाई कर देना है, और ये वाला जो पीसेस है इसमें भी हमें सेम तरीके से सिलाई करना है। तो ये देखिए हमने दोनों साइड सिलाई कर दिया, अब इसको कर देंगे कटिंग। तो हमने कटिंग भी कर दिया, और इस साइड भी अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर दी इस तरीके से, और इस साइड भी हमने इस तरीके से अच्छे तरीके से बराबर करते हुए इसको भी सिलाई कर दिया। तो ये हमारा दो पट्टी बनकर तैयार हो गया है, और एक हमने पहले से बना कर रखा था, तो हमारा ये इस तरीके से तीन पट्टी बनकर तैयार हुआ है। अब एक एक कर हमें ज्वाइंट करना है। तो हमें क्या करना है, इसको आधा इंच की दूरी पर देख लीजिए, जिस तरीके से हमने पहले भी बताया था, तो उसी तरीके से हमें करना है। जो हमारा ऊपर वाला पीसेस है उसको हमें आधा इंच छोड़ फिर हमें सिलाई करना है। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए हमें इस तरीके से आधा इंच को मोड़कर फिर आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देखिए हमारा इस तरीके से आया है। तो इसको हम इस तरीके से अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई करेंगे कि जो हमारा सिलाई है सिलाई पर ही रहे, तभी हमारा जो डिज़ाइन बनेगा अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ बनकर कम्प्लीट होगा। तो ये देख सकते हैं हमने इस तरीके से आराम आराम से हमें सिलाई कर लेना है। तो हमने ये देखिए एक साइड सिलाई कर लिया, ये देखिए तो हमारा इस तरीके से देख सकते हैं बनकर आया है। तो दूसरी साइड भी हम इस तरीके से अच्छे तरीके से बराबर करते हुए ये देख सकते हैं, और आधा इंच की दूरी पर हमें सिलाई कर लेना है। तो अगर आप चाहे तो इसे कुछ भी बना सकते हैं, कुशन बना सकते हैं, पिलो बना सकते हैं, टेबल मेट बना सकते हैं, डोर मेट, फ्लोर मेट, कुछ भी इससे बना सकते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप लोग बेड शीट बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर लीजिएगा। तो हमने तीन कलर लिया है, देख सकते हैं इसका इस तरीके से आया है बनकर। तो हमने तीन कलर लिया है, ग्रीन, वाइट, रेड। जो एक्स्ट्रा है उसको अच्छे तरीके से पहले आपको कट कर देना है। तो हमने इस तरीके से चारों साइड्स में से कटिंग कर देंगे, और आप चाहे तो इसमें वाइट का, ग्रीन का, रेड का पट्टी लगा सकते हैं, और एक एक कर ज्वाइंट कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, और बनने के बाद आप लोग देखा है प्यारा भी बहुत लगता है। तो अगर आप लोग पूरा बेडशीट बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से पट्टी लगाइए, दो इंच ढाई इंच की चौड़ाइए, और एक एक कर ज्वाइंट कर दीजिए। फिर उसके बाद में जितना भी बड़ा बनाना हो आपको, उसके बाद में बॉर्डर बनाइए दीजिए। तो आपका जब इसका फाइनल लुक बनकर कंप्लीट होगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा, आप लोग ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। आई होप आप लोग को हमारा बताने का तरीका समझ में आया होगा, और हमारे सिलने का तरीका भी। अगर आप लोग को डिज़ाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, इस तरीके से आप लोग देख सके नई नई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।